हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रीतीज कुक हाउस। आज मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ विंटर स्पेशल आटे और गोंद के लड्डू, जिसमें बहुत से ड्राई फ्रूट्स डलते हैं, गोंद डलती है, जिंजर पाउडर और नारियल। तो यहाँ पे मैंने ये थोड़ी सी 2 चम्मच गोंद ली है लगभग, और यहाँ पे ये जिंजर पाउडर लिया है और सूखा हुआ नारियल, और बाकी ये ड्राई फ्रूट्स और साथ में इलायची ली है। तो इन ड्राई फ्रूट्स को सबसे पहले हम इन छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने नारियल को कट कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। ये है बादाम और ये है काजू और ये मखाने। तो इस तरह से स्मॉल पीसेस में हम कट कर लेंगे। चलते हैं आगे के प्रोसेस में। आगे का प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला है, और इस गोंद को इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो गोंद को फ्राई करने के बाद हम गोंद को जो है पीस लेंगे मिक्सी जार में डालकर। तो अभी तो मैं ये यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ, और फ्राई करने के बाद मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो ये देखिए फ्राई हो चुकी है और अब हम इसको प्लेट में निकाल रहे हैं। और ये देखिए इस तरह से कुछ दिखेंगी, ये थोड़ी सी फूल जाती है फ्राई करने के बाद। और हम इसको मिक्सी जार में डाल करके इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने मिक्सी जार में डाल करके इसको पीस लिया है, और ये देखिए इसका पाउडर इस तरह से रेडी हो चुका है। इसको अब हम साइड में रख देंगे, और अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। और उसमें हम एक कढ़ाई लेंगे और गैस पे रख लेंगे, और उसके बाद हम इसमें देसी घी डालेंगे। देसी घी यहाँ पे 5 बड़े स्पून डालने हैं, और अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा भी डल जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे ये गर्म होने के बाद यहाँ पे 1 प्लेट मैं आटे की डाल रही हूँ। यहाँ पे जो आटा लेंगे वो बिल्कुल प्लेट फुल भर करके लेंगे, और अब उसके बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे, बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर तक भूनेंगे। और इसको जो है हम सिम पे ही भूनते रहेंगे। तो ये देखिए इस तरह से भून रहे हैं हम, और इसका कलर भी डार्क हो गया है और इसकी भीनी भीनी सी खुशबू भी आ रही है। इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा इलायची दाने, और इलायची दाने डाल देंगे और इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और धीरे धीरे हम इनको चलाते रहेंगे और इसका डार्क ब्राउन कलर आने तक हम इनको भूनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर आ गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे ये जिंजर पाउडर। तो जो ये जिंजर पाउडर होता है वो अदरक का ही सूखा हुआ पाउडर होता है, और ये है पिसी हुई गोंद, इनको भी हम साथ ही में डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इस तरह से देखिए मिक्स कर लेंगे ताकि ये सब में मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर हम इसे चलाते रहेंगे, और उसमें डालेंगे साथ में ड्राई फ्रूट्स, और इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम थोड़ी सी इसमें किशमिश भी डाल देंगे, और फिर इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद अब हम इनकी जो गैस है वो ऑफ कर देंगे। गैस ऑफ करने के बाद ही हम चीनी को मिक्स करेंगे। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट सब मिक्स हो चुके हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, और ऑफ करने के बाद इसको हम गैस से नीचे उतार लेंगे और चीनी को मिक्स कर लेंगे। चीनी मैंने यहाँ पर लगभग 1/2 कटोरी चीनी ली है, और चीनी को मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, नॉर्मल ठंडा, और उसके बाद हम इस तरह से इनके लड्डू बनाएंगे। ये ठंडा हो चुका है, और अब चलिए देखते हैं लड्डू बनाते हैं इनके गोल गोल, और ये इस तरह से हम गोल गोल लड्डू बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से लड्डू ये तैयार हो गया है, और अब हम इसी तरह से सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये लड्डू जो हैं बहुत ही हेल्दी होते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं, छोटे बड़े सभी लोगों को बहुत पसंद आते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छे लड्डू हैं और सबको पसंद आएंगे, इसलिए आप लोग ज़रूर ही इसको ट्राई करिएगा। ये देखिए इस तरह से सारे लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं, और विंटर का एंजॉय कर सकते हैं हम। तो
चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।